हेलो फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ लिया ना आप सब ने। आज हम बात करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। आपको पता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू गेट इन योर एग्जाम्स। ओके, तो इसको सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल समझते जाइएगा, टॉपिक भी आपको साथ साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन स्क्वायर रूट फाइंड करना है मुझे 7 + 24i का। 7 + 24i का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, यहां पर एक सेंटेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे और इसी को बेस बना के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत स्लोली मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, एकदम से आपको समझ में भी आएगा। तो अब देखिए क्या है ये स्क्वायर रूट के अंदर, क्या दिख रहा है आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर 7 + 24 आई है, वहां पर कुछ भी आ सकता है, उसे डरने वाली कोई भी बात नहीं है। 7 + 24i का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। एक बात तो पक्की है कि इसका आंसर जो भी आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी अब आपका टॉपिक यहां पे खत्म हो जाता है। आपका टारगेट क्या है? सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। देखिए अब आप टॉपिक बिल्कुल चेंज हो गया आपका। ठीक है, सिर्फ एक सेंटेंस। क्या है सेंटेंस है हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमने 7 + 24i का स्क्वायर रूट निकालना है। हमें बात पक्की पता है कि इसका स्क्वायर रूट वापस एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसके लिए? x और y के लिए। अब ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, सिर्फ यहां पर हमारा टारगेट क्या बन गया? x एंड y। कैसे करेंगे बताइए? स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा बताइए? 7 + 24i इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ओपन कीजिए इसको, एक्सपेंड कीजिए इसको, एक्सपेंड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर प्लस 2xiy। ओके, ठीक है, ये स्क्वायर। अब इसमें आप देखिए क्या आने वाला है, सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा बहुत जो सॉल्व हो पा रहा है उसको कर लीजिए। एक्स स्क्वायर, आप सबको पता है कि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। आई स्क्वायर इज माइनस 1। ठीक है, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये कितना हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई। ओके, नाउ यू सी LHS एंड RHS। ओके, LHS में क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। RHS में क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है? कि रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो हम रियल पार्ट को रियल के इक्वल लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया? 7। और 24 कितना आ जाएगा? 2xy। यहां से xy का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। xy का वैल्यू हो जाएगा 12। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें आपने क्या देखा अब तक? कि जो हम रिजल्ट पर पहुंचे हैं वो कितनी इक्वेशन है हमारे पास? 2 इक्वेशंस। और कितने अननोन है हमारे पास? 2 अननोन्स। दो अननोन, दो इक्वेशन, दे कैन बी सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई और नॉट। इनको आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी कैन सॉल्व दीस टू इक्वेशंस इजीली। बच्चों पेन कॉपी ले लीजिए,
यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी जो हमारे सामने आ रही है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज रखनी शुरू कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 7 आ चुकी है, यहाँ पर रख दीजिए। एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 12 आ चुकी है, यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, बहुत इजी है कैलकुलेट करना, आराम से कैलकुलेट करके आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 तक पहुँच जाएंगे। बहुत इजी है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, यू कैन डू इट वेल। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 आ गया। ठीक है, साथ साथ मेरे चलते रहिए, साथ साथ। ठीक है, पेन कॉपी ले लीजिए। अब आपके पास दो इक्वेशन जनरेट हो गई कि नहीं हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जगह 25 वो जनरेट हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जगह 7 जनरेट हो गई, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ऐड होते ही वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, मेरे साथ साथ कैलकुलेट करें, आगे बढ़िए। अब ध्यान दीजिए, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी थी, 12 आ चुकी है, बिल्कुल सही। एक्स वाई की वैल्यू 12 आ चुकी है, उसमें एक्स की वैल्यू आप प्लस 4 डाल दीजिए, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस माइनस 3। और ये देखिए हमारा टारगेट कंप्लीट होता है, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी को भी समझ में जल्दी से बच्चे को नहीं आती है। यहाँ पर देखिए आप कि एक्स वाई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्लस माइनस 4, x की वैल्यू आ चुकी है और y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3 आ चुकी है, लेकिन एक्स वाई कितना है, एक्स वाई 12 है। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, क्लियर। मींस अगर x प्लस 4 है तो y प्लस 3 है, और अगर x माइनस 4 है तो y भी माइनस 3 है। यहां से हमारे पास दोनों आंसर्स निकल के आ गए, 4 प्लस 3 आई और माइनस 4 माइनस 3 आई। मींस x और y या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या x और y दोनों नेगेटिव होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड।